इस कहानी की शुरुआत में हमें डस्टी कोपोपर नाम के एक प्लेन को दिखाया जाता है जो प्रोवास जंक्शन में अपने दोस्तों के साथ रहता है और एक रेसर बनना चाहता है, इसलिए वो दिन रात रेसिंग के सपने देखता है। लेकिन असल में एक दवाई छिड़को होता है जो लेड बॉटम के साथ खेतों में प्राकृतिक खाद विटामिन डी का स्प्रे करता है, लेकिन डस्टी को ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो विंग अराउंड द ग्लोबल वैली में हिस्सा लेना चाहता है, जिसके लिए वो काम खत्म होने के बाद अपने दोस्त चक के साथ रेसिंग की प्रैक्टिस किया करता है। चक एक ऑयल ट्रक होता है जो डस्टी को रेसिंग बुक की मदद से ट्रेन करता है। डस्टी आज टर्न लेने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी ज्यादा प्रेशर की वजह से उसका एलसील खराब हो जाता है, इसीलिए अपनी दोस्त डोटी के पास उसे ठीक कराने आता है। डोटी एक बहुत ही अच्छी मैकेनिक होती है, इसीलिए वो डस्टी पर गुस्सा करती है कि मैंने तुम्हें रेस करने के लिए मना किया था और तुम्हारा काम सिर्फ दवाई छिड़कना है, और अगर तुमने रेस की तो तुम्हारे इंजन पर ज्यादा जोर पड़ेगा जिससे तुम भी हो सकते हो। लेकिन डस्टी उसकी बात नहीं सुनता। रात को डस्टी चक के साथ रेसिंग शो देख रहा होता है, तभी चक उसे बताता है कि मैं जिस किताब से तुम्हें ट्रेन करता हूँ उसमें रेसिंग के बारे में सब कुछ नहीं लिखा, इसलिए हमें रनवे के छोर पर रहने वाले फौजी विमान इसकी पर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो डस्टी कहते हुए मना कर देता है कि वो तो खुद कई सालों से नहीं उड़े है, इसीलिए मैं उससे ट्रेनिंग क्यों लूं। तो चक उसे कहता है कि स्पार्की ने मुझे बताया कि वो नेवी में बहुत ही अच्छा फाइटर इंस्ट्रक्टर थे। तो डस्टी भी मान जाता है और वो दोनों स्कीपर के हैंगर के बाहर आ जाते हैं। चक अंदर जाने से डर रहा होता है क्योंकि स्कीपर ने अपने मिशन के दौरान 50 लड़ाकू जहाज मार गिराए थे, इसीलिए वो पीछे जाकर छिप जाता है। स्कीपर बाहर आ जाते हैं तो डस्टी उन्हें कहता है कि मैंने आपके बहुत किस्से सुने हैं और मैं विंग अराउंड द ग्लोबल रेस में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, इसलिए क्या आप मुझे ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन स्कीपर साहब मना कर देते हैं और से कहते हैं कि रेसिंग तुम्हारे बस की बात नहीं, जिससे डस्टी उदास हो जाता है। अगले दिन वो चक और डोटी के साथ विंग अराउंड द ग्लोबल रेस में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई राउंड में जाता है, जहां बहुत सारे रेसर आए होते हैं। तभी वहां रिप्सलिंगर नाम का रेसिंग स्टार भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, मगर वो बहुत घमंडी होता है और खुद ही अपनी तारीफ किया करता था क्योंकि अब तक 3 बार रेस जीत चुका था। फिर क्वालिफाई राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें से 5 रेसर को चुना जाएगा जो सबसे कम टाइम में मीनारों के राउंड को पार करेंगे। फिर एक एक करके सभी रेसर उड़ान भरते हैं और जब डस्टी की बारी आती है तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि एक दवाई छिड़को था। लेकिन जब डस्टी उड़ान भरता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, मगर डस्टी 6th पोजीशन पर आता है, इसीलिए वो रेस में क्वालिफाई नहीं होता, जिससे वो बहुत उदास हो जाता है और वापस खेतों में दवाई छिड़कने का काम करने लग जाता है। इसकी पर भी ये देख रहे होते हैं। अगले दिन विंग अराउंड द ग्लोबल रेस से रोपर नाम का एक ऑफिसर आता है जो डस्टी को बताता है कि तुम रेस में सेलेक्ट हो चुके हो क्योंकि 5वें नंबर पर आए रेसर ने गैर कानूनी फ्यूल का इस्तेमाल किया था, इसीलिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। सभी से बहुत खुश होते हैं कि डस्टी रेस में हिस्सा लेने वाला है। डस्टी थोड़ा परेशान होता है क्योंकि रेस में उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तभी स्कीपर भी वहाँ आ जाते हैं और वो डस्टी से कहते हैं कि तुम रेस में हिस्सा मत लो क्योंकि अगर तुम किसी पहाड़ से टकरा गए तो तुम्हारे परछक्के उड़ जाएंगे और मैं तुम पर नजर रख रहा था, इसीलिए मैंने देखा कि ना तो तुम्हें टर्न लेना आता है ना ही ठीक से उड़ना आता है, इसीलिए तुम रेस को भूल जाओ क्योंकि तुम इसके लिए नहीं बने हो और तुम्हारा काम सिर्फ दवाई छिड़कना है। तो डस्टी उन्हें कहता है कि मैं बात बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं बस ये साबित करना चाहता हूँ कि मुझ में अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा करने की काबिलियत है, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ सकते। तो स्कीपर भी इससे उसे ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सुबह 5 बजे उसे ग्राउंड में आने का कहते हैं। डस्टी इससे खुश होता है और अगले दिन स्कीपर उसे ट्रेन करने लग जाते हैं और उसे ऊपर आसमान की ऊंचाइयों पर जाने को कहते हैं, मगर डस्टी को ऊंचाई से डर लगता था, इसीलिए जब वो ऊपर जाता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए वो वापस नीचे आ जाता है। स्कीपर को कुछ समझ नहीं आता तो डस्टी उनसे झूठ बोल देता है कि मेरा फ्यूल खत्म हो गया था। तो स्कीपर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। तो डस्टी उन्हें सच बताता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो सभी से हैरान होते हैं, जिस पर डस्टी कहता है कि मैं सिर्फ खेतों में दवाई छिड़कता हूँ, इसलिए मैं कभी 1000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ा। तो स्कीपर उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे डर का बाद में कुछ करेंगे, लेकिन पहले हमें तुम्हारी स्पीड बढ़ानी होगी, और उसके लिए एक ट्रैक तैयार करते हैं जिसमें डस्टी को आसमान में उड़ने वाले एक बड़े शिप की परछाई को हराना था। लेकिन डस्टी की स्पीड काफी कम होती है, इसीलिए वो काफी कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं हरा पा रहा था, इसीलिए डोटी उसका टोक बढ़ाती है। डस्टी दिन रात प्रैक्टिस करता है जिससे अब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है।
आती है और टर्न लेना भी सीख गया था, इसीलिए आसमान में उड़ते प्लेन की परछाई को हरा देता है जिससे सब खुश होते हैं, क्योंकि अब डस्टी की स्पीड 317 माइल पर आवर की हो गई थी। इसकी पर डस्टी पर अपने स्कॉटन जोली रेंचेस का लोगो लगाते हैं जिससे डस्टी खुश होता है। फिर डस्टी न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि वहीं बिग अराउंड द ग्लोबल वैली की फर्स्ट रेस स्टार्ट होने वाली थी। डस्टी पहली बार शहर में आया होता है, इसीलिए जब वो रनवे पर लैंड करता है तो एक बड़े से प्लेन के नीचे आने वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को बचा लेता है। फिर वो रेस के तंबू का रास्ता पूछते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ डस्टी बुलडॉग से मिलता है जो इंग्लैंड के फेमस रेसर थे, और डस्टी उनसे रेसिंग के सीक्रेट पूछने लगता है तो बुलडॉग उसे कहता कि तुम बहुत सीधे साधे हो, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि कॉम्पिटिशन में कोई भी किसी का नहीं होता। तो डस्टी आगे बढ़ता है जहाँ वो इंडिया की रेसर ईशानी से मिलता है, मगर रिस्टलिंगर डस्टी का छिड़कू कहते हुए मजाक उड़ाता है और उसे कहता कि मैं तुम्हें रेस में हरा दूंगा और तुम्हारे पुर्जे भी नहीं मिलेंगे। तभी वहाँ चुपाकाबरा नाम का प्लेन अपनी शानदार एंट्री लेता है जो मेक्सिको का इंडो चैंपियन था। फिर अगले दिन वो घड़ी आ जाती है जब विंग अराउंड द ग्लोबल रेस का फर्स्ट पड़ाव स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए सभी रेसर ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ चुपाकाबरा को पहली नजर में रशेल नाम के प्लेन से प्यार हो जाता है। फिर फर्स्ट रेस स्टार्ट होती है और सभी रेसर यूएसए से आइसलैंड की तरफ उड़ान भरते हैं, और जो इस पहले पड़ाव में फर्स्ट आएगा वो अगले पड़ाव में सबसे पहले उड़ान भरेगा। डस्टी लास्ट पोजीशन पर होता है क्योंकि अपने ऊंचाई के डर की वजह से आसमान में नहीं बल्कि समुद्र से कुछ ऊपर उड़ रहा था, जिससे उसे बर्फ और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और वो सबसे आखिरी में आइसलैंड पहुंचता है जिस वजह से रिप्सलिंगर उसका मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन नेक्स्ट पड़ाव स्टार्ट होता है जहाँ उन्हें आइसलैंड से जर्मनी जाना था, जहाँ डस्टी भी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी बुलडॉग का प्रोपेलर खराब होने की वजह से उसकी आंखों पर आयल गिर जाता है जिससे उसे कुछ दिखाई न देने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है, जिससे डस्टी उसकी मदद करने जाता है क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा था, इसीलिए वो बुलडॉग को सेफली रनवे पर लैंड करवा देता है। लेकिन इससे डस्टी आखिरी आता है, बुलडॉग डस्टी को थैंक्स कहता है। तभी रिप्सलिंगर भी वहाँ आ जाता है और वो डस्टी को ताना मारता है कि अच्छे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। डस्टी बहुत दुखी हो जाता है और वो भी बाकी रेसर के साथ बार में आ जाता है, जहाँ चुपाकाबरा उसके पास आता है जो डस्टी को अपने दिल का हाल बताता है कि रशेल के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तभी वहाँ फ्रांस नाम की एक हवाई कार आती है जो डस्टी को बताता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये रेस जीते। डस्टी भी इससे खुश होता है कि उसके भी फैंस हैं। फ्रांस डस्टी को एक सुझाव देता है कि आप अब एक रेसर बन चुके हैं, इसीलिए आपको अपने पाइप और स्प्रे टैंक को निकाल देना चाहिए। चुपाकाबरा भी फ्रांस की बात से सहमत होता है तो डस्टी भी मान जाता है और वो अपने स्प्रे पार्ट्स निकलवा लेता है, जिससे अब वो भी बहुत खुश होता है क्योंकि उससे अब हल्का हल्का महसूस हो रहा था। फिर दिखाया जाता है कि रेस का तीसरा चरण स्टार्ट होता है जिसमें अब डस्टी बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लगता है और वो अपनी अच्छाई से सभी जगह फेमस हो जाता है और हर जगह सिर्फ उसकी चर्चा होती है। और अब डस्टी लास्ट पोजीशन से 8वें नंबर पर आ जाता है और अब सारे न्यूज रिपोर्टर डस्टी से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, और पोपाश जंक्शन में भी डस्टी के सभी दोस्त और स्कीपर ये न्यूज देख रहे होते हैं। इन सब की वजह से रिप्सलिंगर डस्टी से जल रहा होता है, इसीलिए वो अपने चमचों से कहता है कि मैं उसे रेस किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगा और मैं अपना इतिहास बनाकर रहूंगा। वहीं डस्टी से एक रिपोर्टर पूछता है कि आपने रेस करना किससे सीखा, तो डस्टी उन्हें बताता है कि मेरे कोच स्कीपर ने ही मुझे सब कुछ सिखाया है और वो एक अच्छे गुरु और मेरे सच्चे दोस्त हैं जिन्होंने दुनिया भर में उड़ान भरी है। डस्टी की बातों से स्कीपर में भी जोश आ जाता है और उड़ने के लिए ट्रैक पर आ जाते हैं। इस पार्क इससे खुश होता है लेकिन स्कीपर उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और वापस अपना इंजन बंद कर लेते हैं। चक डस्टी के सभी तरह के टॉयज बेचने लग जाता है और डस्टी के फेमस होने की वजह से उसके बहुत सारे टॉयज बिक रहे थे जिससे उसकी बहुत सेल्स होती है। डस्टी रेडियो से अपने दोस्तों से बात करता है और उन्हें बताता है कि मैंने अपना स्पेयर निकाल दिया है, जिससे वो खुश होते हैं। डस्टी चुपाकाबरा से बातें कर रहा होता है तभी शानी डस्टी के पास आती है जो उसे ताजमहल दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है क्योंकि वो अभी इंडिया में थे, जहाँ वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। डस्टी ताजमहल की खूबसूरती देखकर बहुत खुश होता है। ईशानी डस्टी को बताती है कि हमें कल अगले पड़ाव में हिमालय के ऊपर उड़ना है और क्या कल भी तुम नीचे से उड़ोगे, तो डस्टी उसे कहता कि मैं भी नीचे से उड़ने की ही सोच रहा था लेकिन इसमें बहुत खतरा है। तो ईशानी उसे बताती है कि पहाड़ों में नीचे रेलवे ट्रैक्स बने हुए हैं, इसलिए तुम उन्हें फॉलो कर सकते हो। तो डस्टी को
भी आइडिया अच्छा लगता है और ईशानी को थैंक्स कहता है। अगले दिन नेक्स्ट पड़ाव स्टार्ट हो जाता है जहां सभी रेसर को इंडिया से नेपाल जाना था। वैसे तो ये रास्ता बहुत छोटा था लेकिन इसमें उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करना था। डस्टी ईशानी के आइडिया से पहाड़ों के ऊपर ना उड़कर ट्रैक्स के साथ नीचे से उड़ने लगता है लेकिन नीचे ट्रैक्स पर सुरंग होती है जिससे वो बुरी तरीके से नीचे फंस जाता है क्योंकि वो तेज हवाओं को पार करके ऊपर नहीं जा सकता था। इसीलिए सुरंग के सहारे पहाड़ पार करने लगता है लेकिन तभी आगे से ट्रेन आने लगती है जिससे डस्टी बहुत डर जाता है। मगर वो एंड टाइम पर ट्रेन से बचता हुआ सेफली टनल से बाहर निकल जाता है और वो सबसे पहले नेपाल के ट्रैक पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां के नजारे को देखकर डस्टी को लगता है कि वो मर गया है और उसका जन्नत में स्वागत हो रहा है। लेकिन वहां के लोग उसे बताते हैं कि तुम सबसे पहले नंबर पर हो और बाकी के रेसर अभी तक यहां नहीं पहुंचे। इससे वो खुश होता है। सभी डस्टी के इस कारनामे से बहुत खुश होते हैं क्योंकि डस्टी ने अपनी जान जोखिम में डालकर टनल पार की थी। डस्टी ईशानी के पास जाता है और ईशानी का नया प्रोपेलर देखकर समझ जाता है कि उसने रिप्सलिंगर के कहने पर उसे गलत रास्ता दिखाया था। इसीलिए उसे कहता है कि इससे मेरी जान जा सकती थी और तुमने ऐसा क्यों किया। तो ईशानी उसे कहती है कि मुझे लगा कि तुम रेस छोड़कर वापस लौट जाओगे, जिस पर डस्टी उसे कहता है कि तुम गलत थी और अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। फिर अगला पड़ाव स्टार्ट होता है जहाँ उन्हें नेपाल से चाइना जाना था और अब डस्टी सबसे आगे होता है और उसके पीछे रिप्सलिंगर था। डस्टी अब सबका चहेता बन गया था और अब सभी जगह उसकी चर्चा होती है और उसके बहुत सारे फैंस बन जाते हैं। रिप्सलिंगर को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने चमचों से कहता है कि हमें उसका काम तमाम करना होगा। वहीं डस्टी अपने दोस्तों से बात करता है। चक और डोटी उसे बताते हैं कि हम सभी तुमसे मिलने मेक्सिको आ रहे हैं क्योंकि हमने तुम्हारे सारे टॉयज भेज दिए हैं जिससे हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है। डस्टी स्कीपर को बताता है कि कल मुझे पैसिफिक महासागर पार करना है जिसकी दूरी बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्या आप मुझे कोई सलाह देना चाहेंगे। तो स्कीपर उसे बताते हैं कि तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा क्योंकि तुम्हें समुद्र के ऊपर तेज हवाओं और बारिश का सामना करना होगा। साथ ही डस्टी को ये भी कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है। डस्टी इससे खुश होता है। फिर दिखाया जाता है कि रात को चुपा काबरा रशियल का दिल जीतने के लिए जोर जोर से गाना गा रहा होता है। ये देखकर डस्टी म्यूजिक सिस्टम को बंद कर देता है और वो चुपा काबरा को रोमांटिक तरीके से इम्प्रेस करने का तरीका बताता है जिससे जब चुपा काबरा धीरे और प्यार से रोमांटिक गाना गाता है तो इससे रशियल खुश हो जाती है और वो गाना उसे बहुत पसंद आता है। इससे चुपा काबरा बहुत खुश होता है और वो डस्टी को थैंक्स कहता है। अगले दिन छठा पड़ाव स्टार्ट होता है जिसमें सभी रेसर को चाइना से मेक्सिको जाना था और इसके बीच की दूरी 12,000 किलोमीटर थी। इसीलिए सभी रेसर को अपने सैटेलाइट एंटीना की मदद से उड़ान भरनी थी लेकिन रिप्सलिंगर के चमचे डस्टी का काम खत्म करने के लिए उसके एंटीना को तोड़ देते हैं जिससे डस्टी पैसिफिक सागर में खो जाता है क्योंकि सभी प्लेन आसमान में ऊपर उड़ रहे थे और अब उसका पेट्रोल भी खत्म होने लगता है। लेकिन तभी नेवी के दो ऑफिसर वहां जाते हैं जो डस्टी की मदद करने के लिए उसे अपने साथ फ्लाई सीन और जहाज पर ले जाते हैं जहां डस्टी सेफली लैंड कर जाता है जिससे सभी खुश होते हैं। और फिर डस्टी को रिपेयर और फ्यूल भरने के लिए अंदर लेकर जाया जाता है जहां डस्टी को जोली रेंचेस का वॉल ऑफ फेम भी दिखाई देता है। लेकिन वो देखता है कि स्कीपर के नाम का सिर्फ एक ही मिशन होता है, इसीलिए स्कीपर से रेडियो पर बात करता है। वो उन्हें बताता है कि मैं जोली रेंचेस के साथ हूँ और मैंने देखा कि आपका यहाँ सिर्फ एक ही मिशन है। तो स्कीपर इस बात को टालने के लिए डस्टी से कहते हैं कि जल्दी तूफान आने वाला है इसीलिए तुम्हें वहाँ से निकलना होगा, जिस पर डस्टी उनसे कहता है कि आप मुझे सच सच बताइए कि क्या आपने सिर्फ एक ही मिशन किया था। तो स्कीपर उसे कहते हैं कि यह सच है। तभी नेवी ऑफिसर डस्टी को आकर बताते हैं कि जल्दी तूफान आने वाला है इसीलिए तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और डस्टी के टेक ऑफ की तैयारी करते हैं और उसे गुलेल से बांधकर तेज स्पीड में उड़ा देते हैं। लेकिन डस्टी इस बात से काफी परेशान होता है कि स्कीपर उससे अभी तक झूठ बोलते रहे और उन्होंने सिर्फ एक ही मिशन किया। तभी सागर में तूफान तेज होने लगता है और डस्टी तूफान में फंसने और लहरों की वजह से समुद्र में गिरने लगता है। वो रेडियो से अपनी लोकेशन बताता है लेकिन वो लहरों की वजह से बुरी तरीके से डूबने की वजह से क्रैश हो जाता है और पानी में डूबने लगता है। नेवी वहाँ पहुँच जाती है और डस्टी को पानी से निकालकर मेक्सिको रेसिंग ट्रैक पर ले आते हैं जहाँ सभी डस्टी का बुरा हाल देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। डोटी डस्टी का चेकअप करती है जिससे उसे पता चलता है कि डस्टी के सभी पार्ट्स बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं इसीलिए वो अब नहीं उड़ सकता। डस्टी स्कीपर से काफी गुस्सा होता है इसीलिए अकेले में उनसे बात करता है। स्कीपर डस्टी को पुरानी बातें बताते हैं कि मेरे स्क्वाडन में सभी नौसिखिया
किए थे और सभी एक से बढ़कर एक थे क्योंकि सभी को मैंने ही ट्रेन किया था। और एक दिन हम आम पेट्रोलिंग पर निकले थे, तभी मेरे साथियों को दुश्मन का एक जहाज दिखाई दिया। इसीलिए जब हम हमला करने के लिए आगे बढ़े तो हमने देखा कि वहाँ दुश्मन के जहाजों का पूरा ग्रुप था और उन सभी ने हम पर हमला कर दिया, जिससे हम सभी उनसे नहीं बच पाए और हम सभी क्रैश हो गए और मेरा पूरा स्क्वाड्रन खत्म हो गया, जिससे मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। और उस दिन के बाद से मैंने कभी उड़ान नहीं भरी और फिर पर उसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगते हैं। डस्टी काफी परेशान होता है। डोटी उसके पास आती है और वो डस्टी को समझाती है कि मैं जानती हूँ कि स्कीपर ने गलत किया, लेकिन वो तुम्हारे बारे में सही थे कि तुम एक दवाई छिड़कू नहीं बल्कि एक रेसर हो, और अब ये बात पूरी दुनिया मानती है। तो डस्टी उसे कहता कि अब मैं रेस नहीं कर सकता, लेकिन तभी चुपा काबरा और डस्टी के सभी फैंस उसके लिए उसकी जरूरत के सभी पार्ट्स ले आते हैं। और ईशानी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए डस्टी को अपना प्रोपेलर देती है, जिससे डस्टी खुश होता है। और अब उनके पास सभी पार्ट्स मौजूद थे और अब डोटी पूरी रात मेहनत करके डस्टी को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। डस्टी अब पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुका था और अब रेस का आखिरी पड़ाव स्टार्ट होने वाला था, जिसमें सभी रेसर को मेक्सिको से वापस न्यूयॉर्क जाना था। चक और डोटी डस्टी का हौसला बढ़ाते हैं और सभी वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन इसकी पर वही रुकने का फैसला करते हैं। डस्टी रिपस्लिंगर से कहता कि तुम मुझसे हारने से डरते हो और तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है, इसीलिए तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। रिपस्लिंगर को इससे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने चमचों से कहता है कि गांव से आया कोई भी एरा गेरा हमें नहीं हरा सकता, इसीलिए हमें उसका काम खत्म करना होगा। स्कीपर भी उनकी बातें सुन लेते हैं। फिर जब रेस स्टार्ट होती है तो सभी प्लेन पहले टेक ऑफ कर लेते हैं, लेकिन डस्टी को थोड़ी देर बाद उड़ान भरने दी जाती है क्योंकि डस्टी क्रैश हो गया था। डस्टी फुल स्पीड में आगे बढ़ने लग जाता है, जाओ बहुत जल्दी जल्दी रेसर को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है और अब रिपस्लिंगर के काफी करीब पहुंच जाता है, इसीलिए रिपस्लिंगर अपने चमचों के साथ उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी स्कीपर वहां आ जाते हैं जो डस्टी को उनसे बचा लेता है। डस्टी उन्हें उड़ते हुए देखकर बहुत खुश होता है। स्कीपर रिपस्लिंगर को डस्टी पर अटैक करने से रोकने लग जाते हैं और डस्टी रिपस्लिंगर के दोनों चमचों को एक घाटी में फंसा देता है। फिर डस्टी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रिपस्लिंगर धोखे से स्कीपर के टेल को तोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिरने लगते हैं। डस्टी उनके पीछे जाता है तो स्कीपर उसे कहते हैं कि मैं खुद को संभाल लूंगा, तुम रेस पर ध्यान दो। डस्टी फुल स्पीड में आगे बढ़ने लग जाता है। रिपस्लिंगर डस्टी से काफी आगे होता है और वो डस्टी को पास आता देख फुल स्पीड में आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन डस्टी अपनी पावर और ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहा था, इसीलिए स्कीपर की बातें याद करके अपने डर को भुलाकर बादलों से ऊपर उड़ता है, जिससे उसे हवा से फुल सपोर्ट मिलता है और वो बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ने लग जाता है। डस्टी को भी ऊंचे आसमान में उड़ने में मजा आता है, लेकिन अभी भी रिपस्लिंगर उससे आगे होता है और अब उसे पूरा विश्वास था कि उसे हराने से कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए वो जब फोटो खिंचाने के लिए राइट मुड़ता है तो डस्टी मौका देखकर उससे आगे निकल जाता है और वो ये रेस जीत जाता है। सभी से बहुत खुश होते हैं क्योंकि डस्टी ने एक नया इतिहास रचा था। और रिपस्लिंगर टॉयलेट से टकराते हुए दूर गिर जाता है। डस्टी के सभी दोस्त उसे बधाई देते हैं। डस्टी चक को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसे बताया था कि रिपस्लिंगर हमेशा फोटो खिंचाने के लिए झुकता है। फ्रांस भी वहाँ पर आ जाता है और वो डस्टी को बताता है कि तुम उन सभी के लिए एक मिसाल हो जो अपनी काबिलियत से ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। तभी स्कीपर भी वहाँ पर आ जाते हैं। रोपर रिपस्लिंगर का मजाक उड़ाते हैं, जिससे सभी खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डस्टी और स्कीपर अब वापस से जोली रेंजर्स का हिस्सा बन जाते हैं और वो फ्लाइसिन ओवर जहाज से उड़ान भरते हैं। और यहीं पर इस मूवी की एपी एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक एम जरूर पूरा कर दे, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।